बहुत ही गजब बारिश गिर रही है भाई वडोदरा में। हालत ही खराब हो चुकी है, मैं पूरा भीग चुका हूँ। अभी क्या है पता है, मैं आया हूँ धक्का मुक्की में, तो अभी यहाँ पर क्या है, मैं चैलेंज करने आया हूँ। बट मैं यहाँ पर चैलेंज नहीं करूँगा, आउटडोर वीडियो नहीं होगा ये शूट। ये जो शूट होगा वो होगा मेरे स्टूडियो में। तो मैं यहाँ से पार्सल लेकर भाई जाऊँगा घर, और घर पर जाके पूरा स्टूडियो मेरा प्रिपेयर करूँगा, रेडी करूँगा। उसके बाद मैं वहाँ पर उसकी चैलेंज करूँगा। और आज के वीडियो में प्रीव्यू नहीं आ पाएगी, बिकॉज प्रीव्यू की एग्ज़ाम है। वैसे आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं कौन सी चैलेंज करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली आज मैं चैलेंज करने वाला हूँ 4 पिज़्ज़ा की। तो ये जो सारे पिज़्ज़ा है वो टोटली अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है धक्का मुक्की और काफ़ी अच्छी प्लेस है। तो मैंने यहाँ पर जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए वो है इटालियन पिज़्ज़ा, तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, फार्म फ्रेश गार्डन पिज़्ज़ा और चीज़ फ्लावर पिज़्ज़ा। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है प्रियो, आज तेरे बिना चैलेंज करने में काफ़ी मज़ा आएगा मुझे। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरी कार में, और अभी क्या है कि मैं घर पे शूट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अभी बारिश बहुत ही हो रही है वडोदरा में। सो उसकी वजह से अभी घर पे लाइट चली गई है, और लाइट आएगी भाई रात के 10 बजे तक, और 10 बजे तक मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ कि ये जो मेरे पिज़्ज़ास है जो मैं धक्का मुक्की से लेकर आया था वो सब एकदम ठंडे हो जाएंगे, और उसके बाद खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। सो मैंने अभी जैसे तैसे अपनी कार में जुगाड़ लगा कर ये पूरी चैलेंज करने का डिसाइड किया है, और अभी मैं यहाँ पर चैलेंज भी कर रहा हूँ। सो चलो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोल्ड कोको की स्ट्रो है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है कोल्ड कोको। सो ये रहा कोल्ड कोको। फिर कप होल्डर भाई यहाँ पर नहीं है, सो मुझे इसको कहीं पर भी सेट करना पड़ेगा। कोल्ड कोको मैं लास्ट में पीऊँगा। फिर उसके बाद ये है फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। ओके, मैंने ये बहुत ही बड़ा वाला जुगाड़ लगाया गाइस, आप नहीं मानोगे। ये है चीज लवर पिज्जा, ये है इटालियन पिज्जा, और ये है पनीर तंदूरी पिज्जा। तो अभी मैं ये सारे पिज्जा के जो बॉक्स है वो ओपन कर लेता हूँ। गाइस देखो यार, मतलब हालत कैसी हो चुकी है, मैं कार में लिटरली मैं कैसे बैठा हूँ आपको बताऊँ। सो ये जो आप ये आगे वाला देख रहे हो वो है आर्मरेस्ट। सो ये जो आर्मरेस्ट है वो क्या है, मेरा मूवेबल है। सो मैंने उसको ओपन किया, और ये दोनों सीट के बीच में मैंने इसको फंसाया है, और यहाँ पर जो सीट्स आती है उसके ऊपर का जो हेड रेस्ट आता है वो मैंने अलग कर दिया, और उसको मैंने ऐसे यहाँ पर सेट किया, और दोनों सीटें ऐसे पीछे झुका दी है मैंने। और अभी मैं यहाँ पर पीछे की साइड बैठ कर ये चैलेंज कर रहा हूँ। सो भाई, इसी बात पर आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस। वैसे अभी हम लोग नॉर्मली जहाँ पर कार पार्क करते हैं वहां पर ही मैंने कार रखी है, और यहीं पर ही मैं चैलेंज करने वाला हूँ तंदूरी पिज्जा की। गाइस देखो, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है। सो ये देखो तंदूरी पिज्जा, सो बहुत ही बढ़िया स्मेल है गाइस। वैसे जो धक्का मुक्की की जो रिव्यूज है वो काफी अच्छे है, बहुत ही बंदे कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया फूड होता है वहां का। फिर एक क्या है चीज लवर पिज्जा। ओहो भाई साहब, गाइस देखो तो सही कितना सारा चीज है, OMG, बहुत ही ज्यादा चीज है यहाँ पर चीज लवर पिज्जा में। लिटरली में चीज लवर नाम लिखा है, बट वैसा काम भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर है इटालियन पिज्जा। सो ये देखो गाइस, इटालियन पिज्जा बहुत ही बढ़िया दिख रहा है गाइस, यहाँ पर बहुत ही यम्मी लग रहा है मुझे। इसको मैं रखता हूँ अभी तंदूरी पिज्जा, पनीर तंदूरी पिज्जा के ऊपर। और ये है फार्म फ्रेश पिज्जा। OMG भाई, ये भी बहुत ही टेस्टी है। रुको गाइस, मैं आपको एक नजदीक से एक शॉट दिखाता हूँ। सो गाइस देखो, अभी ये है इटालियन पिज्जा। सो अभी मैं इसकी चैलेंज करने वाला हूँ यहाँ पर। और अभी ये देखो, ये है तंदूरी पिज्जा। सो ये जो पिज़्ज़ा है वो मैं रखूँगा यहाँ पर, बिकॉज अभी मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है, और मुझे ये चैलेंज भी कंप्लीट करनी है कम से कम टाइम में। सो चलो गाइस, अभी मैं ये चैलेंज स्टार्ट करता हूँ इन 3, 2, 1 स्टार्ट। और गाइस इस बार मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है लिटरली में, लाइटिंग भी घर पर लाइट्स भी नहीं है। अगर मैं लाइट्स होती तो मैं घर पर ही शूट कर लेता, बट अभी घर पर भी लाइट नहीं है, और अभी कार में हो तो कार में भी भाई उतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी इस बार आप चला लो, नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो चलो गाइस, अभी मैं ये चैलेंज स्टार्ट करता हूँ इन 3, 2, 1 स्टार्ट। हम्म,
वाओ गाइस क्या पिज्जा है ये यार, इटालियन पिज्जा, सुपर यम्मी, बहुत ही बढ़िया गाइस। ओके चलो गाइस, मैंने यहाँ पर कोल्ड कोको भी निकाल लिया है। अभी ये है पनीर तंदूरी पिज्जा। मैं सभी की चैलेंज करूंगा, एक साथ में ही कंप्लीट करूंगा, बट पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में स्पीड में कंप्लीट करूंगा सब। गाइस जो रियल तंदूर का जो स्वाद होता है, इसमें तंदूरी सॉस तो है, बट भाई जो रियल तंदूर का जो स्वाद होता है वैसे ही ये है तंदूरी पिज्जा, तंदूरी पनीर पिज्जा। भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लिटरली में मजा आ गया, सुपर भाई सुपर। अगर आपको पिज्जा खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, अगर आप बरोडियन हो तो गाइस प्लीज मैं आपको बोलूंगा एक बार आप जरूर से ट्राई करो ये धक्का मुक्की के पिज्जा, बहुत ही बढ़िया है। और ये है चीज लवर, वैसे अभी पिज्जा क्या है थोड़ा ठंडा हो चुका है इसलिए पूरा चीज जम गया है, बट देखो बहुत ही ज्यादा चीज है इसमें। लिटरली में गाइस अगर पिज्जा हो तो ऐसा हो वरना ना हो, समझ रहे हो गाइस? मतलब मैं इसका जो टेस्ट है वो डोमिनोज तो भी ज्यादा समझ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। इसके सामने डोमिनोज पिज्जा हट दोनों फेल है भाई, दोनों फेल है इस पिज्जा के सामने लिटरली में। सुपर भाई मजा आ गया मुझे, इटालियन पिज्जा काफी अच्छा लगा, मैं इसको सबसे पहले कंप्लीट करूंगा। तो गाइस मैंने सारे जो पिज्जा है वो मैंने हाफ हाफ कंप्लीट कर लिए है। तो ये देखो ये है पनीर तंदूरी पिज्जा, वो मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। ये है चीज, कौन सा है चीज लवर, चीज लवर पिज्जा है, वो भी मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। ये इटालियन पिज्जा भी मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। और ये जो फोर्थ जो पिज्जा है, क्या नाम है इसका, फार्म फ्रेश, सो फार्म फ्रेश भी मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। ऐसा समझो कि मैंने टोटल चार पिज्जा में से दो पिज्जा कंप्लीट कर लिए, अभी दो पिज्जा और बाकी है, वैसे टोटल चारों के चार बाकी है, बट आधा आधा कंप्लीट किया, नहीं तो वैसे हम काउंट कर सकते हैं। चलो चलो भाई बहुत ही बढ़िया, लिटरली मैं कहीं सच्ची में बताऊं, अच्छा हुआ प्रियू नहीं आई है चैलेंज में, अगर प्रियू चैलेंज में आती तो बहुत ही हार्ड हो जाता, क्योंकि मैं और प्रियु दोनों ही सेट नहीं हो पाते और पिज्जा भी आपको दिख नहीं पाते। अभी इसका भी ये लास्ट बाइट ही है, लास्ट पीस, सो फार्म फ्रेश भी टोटली कंप्लीट। और ये मुझे वैसे अच्छा लगा, बट इसमें जो टोमेटोज है वो काफी ज्यादा है। अब ये पिज्जा जैसे बनता है भाई वैसे बनता है, मुझे टोमेटोज नहीं पसंद है उसमें, पिज्जा का कोई भी फॉल्ट नहीं है, बट लिटरली में ये पिज्जा भी काफी टेस्टी है। और गाइस ये पिज्जा काफी सॉफ्ट है, वैसे बहुत ही टाइम हो चुका है, मैं जो पिज्जा है वो अराउंड 3:30 से लेकर 4, हाँ ये पिज्जा मैंने 3:30 को ऑर्डर किए थे
और 20 to 30 मिनट लगे थे इसको आने में, और उसके बाद मैं वहाँ से निकला 4:40 तक मैं घर पहुँचा, क्योंकि बारिश की वजह से सभी रास्ते ब्लॉक थे। घूमते घूमते पूरा घर पे आया हूँ, और वैसे उन्होंने मुझे बारिश की वजह से बहुत ही बढ़िया पैकिंग करके दिया, बॉक्स वॉक्स मुझे अच्छा पैकिंग करके दिया, पैकिंग काफ़ी अच्छा है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। पिज़्ज़ा काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, बट गाइस अब भी ये पिज़्ज़ा काफ़ी सॉफ्ट है। ये जो तंदूरी पनीर पिज्जा है भाई, बहुत ही बढ़िया है, इसका टेस्ट काफी यम्मी है। ऐसा समझो कि लिटरली में आप तंदूरी पनीर खा रहे हो भाई, लिटरली में जो भट्टी में बनता है वो वाला पनीर आप खा रहे हो। तो गाइस ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर ली, वैसे भी कैमरे में बैटरी नहीं है, वो अभी कैमरा बंद होने को आ रहा है, तो चलो अभी के लिए मैं बंद करता हूँ कैमरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ गाइस बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो में, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर देना, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो चलो गाइस अभी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।